नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी शिक्षक को शुभ संध्या का नमस्कार। फटाफट जुड़ जाइए जिससे कि हम सेशन को कंटिन्यू कर सकें। आप लोग की जो इतना प्यार है, ऐसे ही बनाकर अपना प्यार रखें, बहुत अच्छा लगता है। और सारे क्लासेस आप लोग अटेंड करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि हमारे और प्रशिक्षक जुड़ सकें, है ना, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। हम आपके सारे प्रशिक्षकों का कमेंट लिए हैं, सारे प्रशिक्षकों का जितना दिन भर का डाउट है, जितने कमेंट्स हैं, सब बताएंगे, सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। और जो सबसे स्पेशल है जिक्र करने की बात है, जो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर ना भी हों तो इतना शेयर करिए, कम से कम उनके पास तक जानकारी पहुँच जाए। वैसे कल हम एक फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2021 के जो टीचिंग हैं वो कब लगेंगे। बहुत सारी जगह पता चल रहा था कि लग गया है, लेकिन बाद में रिसर्च में आया कि भाई अभी नहीं लगा है। एक तरह से जो नोटिस है वही वह बस जारी हुआ है, कॉलेज एक तरह से अलॉट नहीं किए गए हैं अभी, है ना। तो कॉलेज कैसे अलॉट किया जाता है, किसके द्वारा अलॉट किया जाता है, एग्ज़ाम कब होगा, क्या टीचिंग के समय एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर टीचिंग के समय, या फिर टीचिंग बीतने के बाद एग्ज़ाम होगा, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे अभी, ये भी थोड़ा सा। और कल पूरा एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के, देखिए थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस खत्म हो चुके हैं, है ना। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको पूरा का पूरा हम SST साइंस और मैथ कंप्लीट, कल लास्ट लेक्चर आएगा उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम मंडे से फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। मात्र 10 दिन में दोनों का सुपाड़ा साफ कर देंगे। इसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर का साइंस है और फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस है उसको भी चला देंगे, वो भी मतलब साथ ही लेके चलेंगे, पैरेलली एक एक दिन के अंतर पे ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग सारे लोग, भैया बहनी जितने भी हैं, सभी लोग प्रेम भाव से रिवाइज करते रहें, क्योंकि मौका हाथ से चला जाता है तो बहुत दुख होता है, है ना। इसी तरह हमने UPTET का सारा लेक्चर दे रखा है। SuperTET सुबह 7 बजे आता है, जो भैया बहनी फॉलो करते हैं। अब ऐसा नहीं कि और SuperTET में ही वो क्वेश्चन आएगा, हाँ यह जरूरी है कि SuperTET को नज़र में रख कर बनाया जा रहा है वो सेशन। आपका 60 नंबर वहाँ से कवर होने वाले हैं आने वाले समय में। हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं, प्राचीन इतिहास एक दिन, मतलब कि हिस्ट्री एक दिन, आपका ज्योग्राफी एक दिन, पॉलिटी, इस तरह से लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल में। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हमको लगेगा कि अब फास्ट होना चाहिए तो उसमें हम समसामयिक भी ऐड करने लगेंगे, वही समसामयिक जो आपके SuperTET में टपकने वाला है, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले जो हम जिक्र करने वाले हैं अभी प्रशिक्षु DLED के फर्स्ट सेमेस्टर 2021 के टीचिंग और एग्जाम को लेकर। अभी DLED की एग्जाम लेकर 2019 बैच के जो बच्चे हैं, 2018 बैच के, 2017 बैच के हैं, उनकी एग्जाम के विषय में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। इसके बाद UPTET को रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा हास्यप्रद बन चुके हैं आपके सचिव जी, है ना। क्यों बने हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था सुबह, आपने देखा होगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं देखा देख लीजिए, वैसे जिक्र करेंगे इसमें भी। CTET के रिजल्ट को लेकर अभी शाम को एक अपडेट आया है दोस्तों, हमने चेक किया, क्रोम पे आया था, खैर result.com पे नहीं आया है, जो आना चाहिए ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, मतलब एक तरह से क्रोम पर है, जिसपे हमने देखा, उसमें वही सारी बातें लिखी थी। ऊपर तो लिख दिया गया था रिजल्ट आ गया, लेकिन जब उसको खोलने के बाद पता चला कि इसमें 15 तारीख ही दिखाया गया है और रिजल्ट कमिंग सून लिखा था। और रिजल्ट का मतलब आपके रिवाइज आंसर की, और रिजल्ट लगभग 1-2 दिन के अंतर पर ही आएंगे, मतलब 21 को कहा गया है बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन देखते हैं कब तक आता है। SuperTET के सिलेबस के विषय पर भी एक सेपरेट लेक्चर आएगा, कल संडे है, कल देखेंगे हम, क्योंकि हमको सेकंड सेमेस्टर के पूरे समाप्त कर देने हैं, कल लास्ट है, खत्म करेंगे उसका, सुहा करेंगे। और आपका जो साइंस का लेक्चर है थर्ड सेमेस्टर का जो चला रहे हैं, वो अभी कल शायद समाप्त हो जाए, कल परसों 2-3 दिन उसमें और लगेंगे, वो समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद हम फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। स्कूटनी के रिजल्ट के प्रोसेस थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे बच्चे कहने सर कब आएगा रिजल्ट, क्या सर रिजल्ट पेपर के पहले आ सकता है, मतलब पहले तो आ ही सकता है, मतलब पेपर के बाद अगर आता है रिजल्ट तो क्या हम पेपर दे लेंगे, इस विषय पर एक चर्चा करेंगे। क्योंकि भविष्य में, सॉरी, जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है, उसमें एक घटना ऐसी घटी थी, तो उसके ऊपर हम जिक्र करने वाले हैं। DLED एग्जाम SuperTET के पहले अगर हो जाएगा सर तो क्या हम लोग पात्र हो जाएंगे प्राथमिक के लिए, बहुत सारे व्यक्तियों का कहना है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी दिन भर के जितने कॉमन कमेंट होते हैं आप सभी के, हम उसको लेते हैं यहाँ पर, और आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे दिया जाता है। तो आप सारे सवालों का जवाब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने भैया बहनी जितने भी शिक्षक जगत से जुड़े हुए हैं उनको शेयर कर दें, जिससे कि वह भी इसका प्रॉफिट ले सके, क्योंकि यहाँ पर अपडेट के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के क्लासेस भी दिए जाते हैं, चाहे UPTET के हों, चाहे SuperTET के हों, चाहे आपके इधर। और SuperTET के लिए, UPTET के लिए एक सेपरेट हम लेक्चर लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्द लॉन्च करेंगे आपका, क्या बोलते हैं उसको, CDP को, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो उसको लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, और बहुत बेहतरीन लेक्चर आएगा, हर एक टॉपिक पर, छोटे छोटे टॉपिक पर छोटा छोटा लेक्चर आएगा, जिसमें आपको कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होने वाला है,
ठीक है भाई। चलिए पहला हम बात कर लेते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 टीचिंग और एग्जाम को लेके। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हमारे पुराने भी छात्र बहुत सारे हैं, 2019 बैच के, 2018 बैच के, 2017 बैच के हैं भाई, कमेंट का जवाब देते रहिएगा ना। तो बहुत सारे छात्र हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो टीचिंग होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता कितने नंबर का होता है, जो नए हैं भाई तो उनको पता होना चाहिए 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। अच्छा, टीचिंग और आपके जो क्लासेस होते हैं, जो आप पढ़ते हो, जो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बीच वो कितने समय होते थे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 6 महीने का समय होता है। 5 महीने आपको पढ़ाया जाता है और 1 महीने आपका टीचिंग होता है, लगभग 1 महीने 30 दिन। किसी अगर मंथली मान लीजिए, मंथ फरवरी का है तो 28 दिन हो गया, जुलाई अगस्त है 31 दिन हो गया। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 31, 30, 28 दिन आपका हो सकता है टीचिंग। अब इस टीचिंग के समय के पहले पेपर हो सकता है या फिर बाद में। सर ये टीचिंग यानी कि इंटर्नशिप भाई, इंटर्नशिप को ही टीचिंग कहते हैं, जिसमें कि आपको जो कॉलेज होता है, आपका कॉलेज मतलब कहाँ पे आपको टीचिंग करनी है, कहाँ पे जाना है आपको, या आपका जिस कॉलेज में, जिस संस्थान में आप पढ़ रहे होते हैं, अगर डाइट में पढ़ रहे हैं तो डाइट, या फिर निजी संस्थान में किसी पढ़ रहे हैं तो निजी संस्थान द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आपको किस कॉलेज में अलॉट, मतलब आपको किस कॉलेज को अलॉट करें और आप टीचिंग कर पाएं। अभी फिलहाल में चुनाव है, चुनाव 20 फरवरी तक, आपको पता है 20, 24, इसके बाद 27, 3 और 7, इस तरह से क्रम से चुनाव है। तो जितने भी चुनाव हो चुके हैं, बहुत सारे मतलब 2-3 चरण हो चुके हैं, 2 मतलब 10, 14, तीसरा चरण कल है। तो इस तरह तीसरा चौथा चरण, तीसरा है शायद, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ तीसरा चरण कल है। तो तीसरे चरण का एग्जाम, मतलब तीसरे चरण का चुनाव होते ही हो सकता है आपके पास एक नोटिस आ जाए, है ना। बहुत सारी जगह आ भी चुका है, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट भी हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताया गया टीचिंग कब से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अब टीचिंग स्टार्ट होने से, होने के पहले पहले भी आपके एग्जाम के नोटिस आ सकते हैं, और हो सकता है आप टीचिंग कर रहे हो तभी आपके एग्जाम के नोटिस आ जाएं, या फिर आप टीचिंग कर चुके हों तब भी एग्जाम के नोटिस आ जाएं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई घटना नहीं घटा है कि टीचिंग करते करते, करने से पहले, अभी टीचिंग आप लगी है उससे पहले पहले आपका एग्जाम हो जाए, अभी तक किसी भी सेमेस्टर में नहीं दुर्घटना यह हुआ है। अगर आगे होगा तो हम आपको बताएंगे। और ऐसा हुआ है कि टीचिंग करते समय आपके एग्जाम के डेट आ गए हैं, शेड्यूल हो चुका है, तो यह चीज़ें हो गई हैं, एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है। लेकिन बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं कि आपके टीचिंग के बाद एग्जाम का डेट आता है, तो यह भी सारे सिचुएशंस हैं। और अगर मान लीजिए टीचिंग के बीच में आ गया तो टीचिंग छोड़कर आप पेपर देंगे, लेकिन बाद में उसको कवर भी किया जाता है आपके द्वारा। तो ऐसा कोई भी नतीजा नहीं आया है कि आपका टीचिंग स्टार्ट हुआ है। बहुत सारी जगह सुनने में आ रहा था स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बाद में पता चला कि अभी तक चुनाव के कारण जो प्राइमरी विद्यालय हैं वह खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भैया चुनाव है तो चुनाव होगा ना, कि अब ऐसा नहीं एक दिन उसकी व्यवस्था किया जाए चुनाव का, एक दिन आपकी व्यवस्था किया जाए, ऐसा थोड़े होता है। तो बहुत सारी जगह अभी व्यस्त है, हो सकता है 24-25 मतलब इस तरह से व्यस्त है, तो 24 तक बहुत सारी जगह खाली हो जाएंगी। जैसे मैनपुरी वगैरह में कल है चुनाव, मैनपुरी में है, और मतलब कि हमारे पश्चिमी यूपी में कल के आसपास में है, तो पूरा का पूरा कल होगा। इसके बाद हमारे बनारस में 7 को है शायद, बनारस में, और 3 को हमारे आजमगढ़ वगैरह इलाका में, इस वाले में आजमगढ़ बस्ती वगैरह में शायद 3 को है, 3 या 7 को ऐसा कुछ है। तो इधर वाला इलाका जो हम लोग का है, पूर्वी यूपी आ जाता है, बस्ती हो गया, इधर कबीर नगर हो गया, इधर ये वाला पूरा आजमगढ़ हो गया बेल्ट पूरा, तो ये पूरा का पूरा बेल्ट आ जाता है पूर्वी में। तो पूर्वी का हो सकता है 3 या 7 में कराएं दोनों लोग, दोनों। तो इसके बाद ही आपके हो सकता है कि 20 के बाद टीचिंग स्टार्ट हो जाए फर्स्ट सेमेस्टर का, और उसके बाद मौका मिलेगा आपको एग्जाम देने का। इसके लिए कल सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और एक बात और है, जो बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का मंडे से क्लास रन करना स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है ना। हम बताएंगे कब से स्टार्ट होगा, शेड्यूल क्या होगा, पहले सिलेबस बताएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मात्र 10 दिन काफ़ी होगा मैथ के लिए, जबरदस्त तैयारी कराएंगे। उसके बाद 10 दिन साइंस के लिए, मतलब 10 दिन के अंदर ही सब, 10-15 दिन के अंदर ही पूरा सिलेबस का सुपड़ा साफ करेंगे हम। तो आप लोग बिल्कुल बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई बहन को बता दीजिए। अब हम आ जाते हैं यूपीटेट के रिजल्ट के ऊपर। देखिए अभी सुबह एक अपडेट आया था, अपडेट क्या, एक तरह से आर्टिकल था पेपर में आया था भाई, कि पीएनपी सचिव जी या फिर कह लीजिए पीएनपी कार्यालय से एक नोटिस जारी किया गया शासन को कि भाई यूपीटेट का रिजल्ट निकाल दें, या फिर यूपीटेट का रिजल्ट अगर आ जाएगा, या फिर निकालने से या फिर कह लीजिए निकालने से जो हमारा आचार संहिता उसका विरोध होगा, मतलब एक तरह से उसका उल्लंघन होगा। तो यह कोई बात तो हुई नहीं, हमारे पीएनपी सचिव जी काफ़ी अच्छे ओहदे के हैं और पोस्ट काफ़ी अच्छा है, शायद हम लोग वहाँ पे कभी पहुँच सकें, है ना। लोगों का टीचिंग में जाने के बाद, टीचर बनने के बाद लोगों का ख्वाब होता है वहाँ पे जाने के लिए। तो भाई पढ़े लिखे हैं इंसान, तो इनको तो यह बात तो पता होना चाहिए कि भाई जो आपका हम उनको सिखा नहीं रहे हैं
ना ही उनको समझा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और तभी वहाँ पे हैं और हम आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हमसे ऊपर हैं वो। तो इसके बाद वो वहाँ पहुँचे बहुत स्ट्रगल के बाद। हम लोग तो उनके एक तरह से 10% भी अभी स्ट्रगल नहीं किए हैं, करे भी होंगे तो मतलब हम लोग को मौका नहीं मिला अभी, तो हम लोग नहीं बन पाए अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वो अपने अहदे के अनुसार, अपने मतलब कि पोस्ट के अनुसार हम लोग का जो भी हो करते हैं, हम लोग के साथ अत्याचार जो भी हो चीज़ें हों, हमने हम लोग के साथ होता है। अब इनका कहा नाम है यूपी टेट के रिजल्ट के लिए कि बताइए भाई शासन रिजल्ट निकालें या फिर उल्लंघन होगा इसका। भाई ये कोई बात थोड़ी हुई, आपको नहीं पता है क्या आचार संहिता के समय जितने भी नियम कानून नए होते हैं वह नहीं लागू होते हैं, नई वैकेंसी नहीं आती है, नई योजना नहीं बनती है, ये सब नहीं होते हैं। लेकिन जो चीज़ें पहले से रन वे में हैं, रनिंग में हैं, उसका रिजल्ट भी आ सकता है, उसकी पोस्टिंग भी हो सकती है, उसके आपके अंदर आपके घर एक तरह से आपका कॉल लेटर भी आ सकता है, सब कुछ उसका हो सकता है। लेकिन शायद हमारे पीएनपी सचिव को इसका ज्ञान नहीं था, इस वजह से इन्होंने एक तरह से अपने पीएनपी कार्यालय से शासन को एक लेटर लिखा। अब इसमें क्या बातें हैं आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखें हम लोग झुक कर थोड़ा सा, तो जो विपक्ष में है, मतलब विपक्षी वकील, मतलब एक तरह से जो कैंसिल के पक्ष में वकील हैं कि यूपी टेट कैंसिल होना चाहिए, 40% से ज़्यादा यानी कि पूरा का पूरा 100% यूपी टेट का पेपर रिपीट हुआ है 2021 में, वह जो वकील हैं आपको पेपर के कैंसिल कराने के लेकर हैं। क्योंकि आपको पता है अगर देखा जाए इतना 22 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 2-3 बच्चे ऐसे थे जो कि यह मांग किए थे कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। और भाई कहाँ गए 22 लाख, 21 लाख, 21 लाख बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए। मान लेते हैं, मान लीजिए 100 बच्चे भी थे तो उतने और सारे बच्चे कहाँ गए, और सारे को कैंसिल नहीं कराना था। इस वजह से हमारे जो मतलब पहली हेयरिंग हुई थी, दूसरी हेयरिंग 21 तारीख को है, जो कैंसिल करने के पक्ष में वकील हैं उनका कहना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके पक्ष में आ जाएंगे, हमको एक मौका दीजिए। तो 21 तारीख को उसकी सुनवाई होने वाली है, अब देखना है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसी तरफ उसी के आगे थोड़ा सा 2 दिन देखेंगे, 23 तारीख को रिवाइज रिजल्ट आने वाला है और 23 के बाद 25 को आपका मतलब रिवाइज आंसर की आने वाला है 23 फरवरी को, इसके बाद 25 को आपका रिजल्ट आने वाला है। अब देखना यह है कि पेपर की धज्जी उड़ती है या फिर पेपर का भुजिया पाव बनता है, है ना। भुजिया पाव बनेगा तो सभी खाएंगे भाई, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है भाई, जो भी होगा सबके बीच होगा भाई, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यूपी टेट के रिजल्ट की जिक्र हुआ। अब हमारे पीएनपी सचिव जैसे भी हों अच्छे हैं, क्योंकि हमको उनसे मतलब है, ठीक है भाई। सीटेट रिजल्ट, अब सीटेट रिजल्ट की जिक्र करें मित्र, तो अभी एक अपडेट आया था जो हमने बताया आपको, लेकिन फेक अपडेट था वो, तो हमने उसको लिया नहीं यहाँ पर, लेकिन मेंशन कर दिया है इस पूरे सेशन में, जिससे आपको पता लग सके कि जो सीटेट का रिजल्ट है मित्र, इस वजह से डिले हो रहा है। हमने कल भी जिक्र करा था, बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है, तो हमने कर दिया कि भाई मानना है आपकी बातें, आप 10 बार कहोगे एक ही चीज़ बताने के लिए, हम 10 बार नहीं 20 बार बताएंगे उस चीज़ को, क्योंकि हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, तो हम सपोर्ट करेंगे, भले आप सपोर्ट करो या ना करो, सारे क्लासेस देखो या ना देखो। अब सीटेट के रिजल्ट की जिक्र करेंगे मित्रों, तो जो सीटेट का रिजल्ट है आपका वो आ जाना चाहिए था 15 तारीख तक, जो इनके ऑफिशियल डेटा पर एक तरह से मेंशन था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम नहीं किया। बाय द वे, हो सकता है कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, सीधी सीधी बात यह है, क्योंकि अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष भी चयन हुए हैं फिलहाल में, मोहजा करके हैं कोई, है ना, अभी नए अध्यक्ष हुए आए हैं, तो आहूजा करके हैं भाई, तो सीटेट के लिए सीबीएसई के अध्यक्ष चयन हुए हैं। इस वजह से हो सकता है नए प्रकार से कानून बने, क्योंकि बहुत जो होता है ना सीटेट के जो इस बार पेपर हुए थे ऑफलाइन हुए थे, उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, एक तरह से ऐड हुआ था। पीछे क्या था, जो सीटेट होता था उसमें मात्र 15 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था, क्यों, उसका कारण भी था, क्योंकि भाई उसमें कम शिफ्ट होते थे और एक तरह से आपका ऑफलाइन पेपर होता था, फटाफट निकाल देते थे, रिजल्ट आ जाता था, उसमें गलतियाँ वगैरह भी कम होती थी। लेकिन अब क्या है, इन्होंने सबसे पहले गलती है की है कि जो लैंग्वेज है उसमें गलती करा है इन्होंने। अब लैंग्वेज में गलती करने का मतलब है फिर से कॉपी को चेक करना, अगर लैंग्वेज के हिसाब से बच्चे का, मान लीजिए उसमें बोला गया है पूनावाला, अब लिख दिया ढूनावाला, तो पूनावाला ढूनावाला दो अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग जगह है, पूनावाला ढूनावाला, तो हमने ढूनावाला समझ लिया। अब ढूनावाला के को देखकर हमने ऑप्शन चेक किया तो उसका ऑप्शन उसमें से मिल ही नहीं रहा था इसमें से, लेकिन एक ऑप्शन यह भी था इनमें से कोई नहीं, और बच्चों ने मार दिया इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो आयोग ने सेट करा था वो पूनावाला सेट करा था, अब पूनावाले के हिसाब से उसका ऑप्शन ए सही था, तो यह भी एक तरह से विसंगतियाँ पाई गई हैं। और इस वाले विसंगति बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ब्लंडर मिस्टेक है, जो कि बच्चों के दिमाग का एक तरह से सही उपयोग किए हैं बच्चे, लेकिन जो आयोग चाहता था जिस को टिक करना उसको बच्चे ने नहीं टिक किया तो उनको भी उस हिसाब से नंबर देना चाहिए, लेकिन उनके सेटिंग्स के हिसाब देखें तो नंबर आपका प्रश्न गलत है, और आपके हिसाब से देखें तो प्रश्न सही है, और बच्चों का आपत्ति आया है, बच्चों की आपत्ति आई है। और इस सब को देखते हुए लैंग्वेज में भी बहुत सारे सुधार किए जाएंगे, और मिसप्रिंट जो हुए हैं उसको सुधार किया जाएगा। इस वजह से वो चाहती है कि बिल्कुल
स्वच्छ साफ सुथरा रिजल्ट आए, एक बार आए, रिवाइज आंसर किया है, साफ सुथरा है, जिसको दोबारा हम मतलब एक तरह से आपत्ति न मिले, क्योंकि सीबीएसई बहुत अच्छा काम करती है भाई, यूपी टेट से या फिर किसी भी टेट किसी भी राज्य के टेट से, राजस्थान और यूपी टेट और बिहार के टेट से तो बहुत अच्छा कार्य करती है ना, बहुत नहीं लाख गुना अच्छा कार्य करती है। कलो इसके बाद आ जाते हैं सुपर टेट सिलेबस। भाई सुपर टेट के सिलेबस के लिए कल हम एक वीडियो बनाएंगे और हो सकता है शाम तक आए, लेकिन बनाएंगे जरूर, ठीक है। सुबह आपका सुपर टेट का क्लास आता है डेली, परमानेंट्स डेली आएगा, डेली का डेली, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, रोज खाएंगे हम अंडे, अंडे संडे कुछ होता है गाना इस प्रकार से ना, अंडे हो चाहे मंडे, पता नहीं यार भूल गया, तो डेली वो क्लास होता है, 7 बजे होता है, 7 AM पर होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सुबह वाला क्लास ना छोड़ा करें, मात्र 15 से 20 मिनट का होता है, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करते हैं मित्र, मतलब कि 25 से 30 प्रश्न होता है, 25 से 30 प्रश्न कहने को होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर देखा जाए तो 100 प्रश्न के आसपास में हो जाते हैं। तो उसे आप लिया करिए, देखा करिए, कॉपी पर नोट्स बनाया करिए, रिवाइज किया करिए, सुपर टेट का पेपर हो चाहे यूपी टेट का पेपर हो, उसको देखे उसको देने से पहले आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को आ जाइए, देख लीजिए, पूरे प्लेलिस्ट में देखेंगे यूपी टेट के सारे क्लास मेंशन है, ईवीएस का मेंशन है, पूरा का पूरा कंप्लीट है, मैथ का पूरा कंप्लीट है, हिंदी का पूरा कंप्लीट है और सीडीपी का पूरा कंप्लीट है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो भाई यहाँ पे हमको सीडीपी का भी क्लास मिल रहा है, डीएलएड का भी मिल रहा है, सुपर टेट के भी सर चला दिए हैं, तो बहुत अच्छा हो गया ना भाई, अब अपडेट भी दिया जा रहा है, तो बताओ आप कहाँ क्यों भटकोगे भाई आप, हम आपको भटकने देना ही नहीं चाहते कि आप एक ही जगह रहो, बिल्कुल शांति से मूड बना के, बस यह फिक्स है हमारे लिए। अब किसी एक टीचर को फॉलो करो आप लोग, 10 टीचर को फॉलो करने का मतलब है आप अलग अलग आपका माइंड सेट होता है, ठीक है ना, और आप प्रश्न को अगर 10 तरीके से सॉल्व करने से अच्छा है एक ही तरीके पर इतना प्रैक्टिस कर लो ना भाई, देख लो बहुत तेज लोग भी, तेजुखा लोग भी चैन नहीं होते हैं, बहुत तेजुखा लोग का भी चैन नहीं होता है, आपके आस पड़ोस में भी देख लो कितने लोग बहुत तेजुखा होते हैं, दिमाग से सटक जाता है उनका, दिमाग ही सटक जाता है, माइंड बिल्कुल समझ रहे हैं ना, डोपामाइन बढ़ जाता है और लिक्विड एक निकलने लगता है, जिससे कि वही रट लगाए रहते हैं, एग्जाम क्लियर करेंगे एग्जाम क्लियर करेंगे, और जो कम बच्चा कम तेज होता है थोड़ा सा अपना अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, वो एग्जाम क्रैक कर जाता है, तो वो मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उसका। तो भैया सुपर टेट के सिलेबस के विषय में हम जिक्र कर दिए हैं, एक बार फिर से जिक्र करेंगे, 150 नंबर का प्रश्न आता है, सब कुछ बताया हमने, गुणांक वगैरह कैसे निकालते हैं बहुत बार बताया है, इसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। लेकिन सुपर टेट के पहले डीएलएड वाले जो 2019 बैच के हैं, क्या उनका पेपर हो जाएगा? तो देखिए जो सेकंड सेमेस्टर में बैक हैं, अगर देखिए हमने तो बहुत बार जिक्र किया भाई सपा और बीजेपी सबको लेके, सपा ने कहा है जैसे हमारा हम आएंगे तुरंत पहली आपके कैबिनेट मीटिंग में घोषणा करेंगे, जितने भी हमारे बेरोजगार प्रशिक्षु हैं हर एक फील्ड में रोजगार के लिए हम ऐलान कर देंगे, और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा व्यवस्था कर दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम दिया जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाएगा सपा आती है तो आपके ऊपर थोड़ा सा मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं, हो सकता है आपके डीएलएड एग्जाम के पहले पहले सारी चीज़ें व्यवस्था कर ली जाएँ और आप जो है 19 बैच वाले अभी फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लें, जो फोर्थ सेमेस्टर में है जिनका बैक लगा है, केवल फोर्थ सेमेस्टर का ही पेपर देंगे, जिसका बैक लगा है फोर्थ सेमेस्टर वाला ही बैक का पेपर देंगे, उसके बाद वह हो सकता है उनका रिजल्ट आ जाए तब तक, लेकिन हो सकता है क्योंकि मार्च में ही मार्च 10 मार्च के आसपास में आपको पता है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मतलब एक तरह से मतगणना हो जाएगा कंप्लीट, पता चल जाएगा कौन जीता है, उसके बाद 10-11 दिन के आसपास में शपथ ग्रहण कर लिया जाएगा, करा दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी कारनामा होने से पहले पहले आपका पेपर स्टार्ट होगा। अब यह फिक्स नहीं है कि आपके एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले पहले सुपर टेट नहीं आए, अगर पार्टी चेंज होती है, अगर पार्टी नहीं चेंज होती है, जो सरकार है अगर वही सरकार रहती है, तो इतना मान लें कि आपका जो सुपर टेट है वह सपना सपना ही रहेगा, सपना का मतलब सपना नहीं रहेगा, मतलब कि सपना बना रहेगा कब उसका एग्जाम हो, है ना, तो मतलब कि 2023 के मीट तक जा सकता है फिर, क्योंकि वह तब आएगा देखा जाए, क्योंकि उनका साफ साफ मेंशन है अपने शपथ पत्र में, उन्होंने मेंशन किया है कि भाई हम समय को देखते हुए वैकेंसी निकालेंगे, भाई समय ही तो 5 साल था, उसको नहीं देखे क्या, 5 साल का मतलब 5 दिन था क्या तुम्हारे लिए? अब जो भी हो स्कूटनी के मतलब एक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अब देखिए स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में बहुत सारे अभ्यर्थ ही जाइएगा मत भाई कहीं, अभी डीएलएड एग्जाम के विषय में थोड़ा सा बहुत सारे अपडेट है उसको देने वाले हैं। स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में अगर बात करें, आपके कमेंट भी लेने वाले हैं, अभी जो स्कूटनी का रिजल्ट है वो सेकंड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर वाले दोनों पर से चुप भरे हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, पहले बात कर लें मात्र 6% ही बच्चे, लगभग 5% 6% ही रिजल्ट देता है स्कूटनी। इसके बाद यह रिजल्ट कब आता है, देखिए अगर यह प्रोसेस तो यही है, आपके एग्जाम से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद बच्चे फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, आप तो फॉर्म भी फिलअप कर लिए होंगे, अब स्कूटनी पहले आए चाहे बाद में आए तो पेपर तो देना ही है भाई, बताना पेपर तो देना ही है ना,
अब यहां पर एक चीज निकल के आता है, अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट सर बाद में आता है पहले कब तक आएगा, हम इतना दावा ठोक के कहते हैं क्योंकि पीएनपी सचिव जी का भी कहना है, हमने बात किया सारी चीजें हुई उनसे, उनका कहना है पेपर से पहले पहले आएगा, मतलब कि आपका एक महीने लेंगे, मतलब कि 15 मार्च से पहले पहले आएगा। अब 15 मार्च से पहले पहले आएगा तो 15 मार्च से एग्जाम थोड़े होगा, 15 मार्च से पहले एग्जाम हो जाएगा, तो चुनाव चलता रहेगा। जब भी एग्जाम की घोषणा होगी वह लास्ट मार्च और 15 अप्रैल के बीच में, अप्रैल के पहले या दूसरे वीक तक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मार्च के बाद ही एग्जाम शेड्यूल होगा। पूरा का पूरा हूबहू यह हमारे दिमाग का उपज है, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को जानिएगा थोड़ा सा थोड़ा, और लगन से बिल्कुल लगे रहिए, रिवाइज करिए। इस बार अगर किसी बच्चे का सेकंड सेमेस्टर में बैग लगा तो कसम से फिर उसको बहुत पिटाई करेंगे, और उसको समझ लो फिर किससे बात करेंगे हम भाई। अच्छे से क्लास दिया जा रहा है, मैथ का बिल्कुल विधिवत क्लास करिए आप लोग, और रोइए गाइए मत भाई। कल एक बच्चे ने मैसेज किया ग्रुप में कि भाई हम सर मरने वाले हैं। हम कहे भाई देखो मरना इतना आसान नहीं है, एग्जाम निकालना बहुत आसान है लेकिन मरना इतना आसान नहीं है प्रशिक्षु। आप मर कर बताओ किसको किसको पता दुख दोगे, पहले तो अपनी मम्मी को दुख दोगे जो तुमको 9 महीने पेट में रखी, तुमको पाली, तुम्हारे दर्द सही। पता है सबसे बड़ा दर्द किसको होता है, महिला को होता है। देखो अब इतना ज़्यादा युवा, हमारे युवा में इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से जागरूक हो रहे हैं सभी लोग, आने वाले समय में जो महिलाएं होंगी वह पुरुषों के बराबर, मतलब उनकी संख्या भी होगा, अभी तक हो भी गई होगी, इस बार का जनगणना जो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब क्या है सब, देखो आपको 9 महीने माँ पेट में रखती है, कम से कम उस माँ के बारे में एक बार सोच लिया करो प्रशिक्षु कुछ करने से पहले। आखिर उस माँ को कितना दर्द हुआ होगा हमें जन्म देते समय, आखिर क्या सोची होगी, हमें पाली पोसी इतना बड़ा कराई, फिर इसके बाद पिताजी के बारे में सोच लिया करिए। इन दोनों का जो फिगर है ना दिमाग में रखकर चला करिए। अगर शादी हो गई है तो पत्नी के बारे में सोच लिया करो, पत्नी कैसे रहेगी आपकी बताओ, जो आप सारे जमाने को छोड़कर आपके पास आई है और आपके साथ रहने के लिए आई है। अगर आप पत्नी, मतलब कोई लड़की ऐसे करती है तो अपने पति के बारे में सोच लिया करो कि भाई आप सोचो खुद, जो लोग आपके लिए हैं उनको छोड़कर आप एक काम करने जा रहे हो मित्र, यानी कि आप सबसे बड़ा अपराधी हो, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एग्जाम निकालना बहुत आसान है, उसको निकाल सकते हैं आप, लेकिन ये सब करना बहुत कठिन है, आपके बस की बात नहीं है, कभी ट्राई भी मत करना। डीएलएड एग्जाम सुपर टेट की बात कर लेते हैं, स्कूटनी के रिजल्ट की बात करें मित्र, तो स्कूटनी के रिजल्ट आपके एग्जाम के पहले पहले आएंगे। एक बार ऐसा सिचुएशन हुआ था कि आपके जो स्कूटनी के रिजल्ट आने से पहले पहले एग्जाम शेड्यूल करा लिया गया था, एग्जाम होना स्टार्ट हो गया था, बाद में स्कूटनी के रिजल्ट आए थे, लेकिन बाद में सारी चीज़ें देखी गई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो स्कूटनी में पास नहीं हुए थे, लगभग सारे बच्चे पास नहीं हुए थे, उस पर NA नो चेंज, मतलब NC लिख के आ गया था नो चेंज। तो इस बार भी अधिकतर यही आने वाला है, घबराइए मत। और डीएलएड एग्जाम की बात करें मित्र, तो आपका हमने बताया जो शेड्यूल होगा मार्च के लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक स्टार्ट हो जाने वाला है, जो हमारा माइंडसेट कहता है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है भाई, क्योंकि 20 से अगर इनका टीचिंग स्टार्ट होता है, 20 फरवरी से 20 मार्च तक होगा टीचिंग, तो 20 फरवरी से 20 मार्च तक अगर इनका टीचिंग होता है तो इनका मतलब इनका जो एग्जाम होगा वो भी आप लोग के साथ हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, हो सकता है अप्रैल लास्ट में इनका स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन स्टार्ट होने का समय है, जैसे ही टीचिंग खत्म हो वैसे ही शेड्यूल इनका कर दिया जाए एग्जाम, यह पूरा का पूरा प्रक्रिया है। अब आपके पास भी लगभग 1.5-2 महीने ही बचे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, कल से यानी कि मंडे से हम सारे क्लास लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों का, भाई आप लोग हेल्प किया करिए, जो भैया बहनी हैं पास पड़ोस के लोग हैं थोड़ा सा भी अगर हेल्प कर देंगे तो आपकी फैमिली बड़ी होगी, आप खुद सोचो कितना मज़ा आएगा। अच्छा भाई पता है ना, आज तो जो ये मैसेज बॉक्स है, जो ये हमारा पूरा का पूरा मैसेंजर है, वो आज बन गया था, मतलब कहते हैं क्या, एक हाई मूवी है एक जिसको कहते हैं भाई दंगल, दंगल मूवी है ना, तो कुश्ती का रन बना था और दो प्रशिक्षु इतना ज़्यादा मारा मारी, मतलब तुम लोग आस पास नहीं, आमने सामने नहीं थे, मतलब मुंह उसको फोड़ देते एक दूसरे का, वो लोग मतलब इस तरह से मारा मारी चल रहा था। तो हमने दोनों को समझाया भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ने वाले हो, ये सब बकवास की बातें ना करो, मतलब समझ लो बस गाली नहीं दिए थे और सब कुछ हो गया था। प्रीति सैनी जी थैंक यू बेटा। प्रतिमा यादव जी सर प्लीज़ कैसे भी प्रमोट करवाने के कोशिश कर कब का कमेंट ले लिया मैंने, एक मिनट। हाँ चलिए सही भाई। प्रतिमा यादव जी देखिए भाई प्रमोट करवाने के लिए अब मुश्किल है प्रशिक्षु, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतना ज़्यादा जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में है आपको सही समय सही सूचना देना, सही प्लेटफॉर्म, आपको सही मार्ग दिखाना, सही रास्ता दिखाना कि आप क्या कर रहे हो, क्या करेंगे आगे, ये बातें हमको बताना है, तो हम वो चीज़ें बताते हैं आपको, बस हम आगाह करते हैं एग्जाम
आपका बहुत जल्द होने वाला है। अब आप लोग लग जाइए, लगन से लग जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा दिया। बताओ भाई, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए हम, तो नहीं लगता है कि हम अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, सच में अगर लगता है आपको मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप मेहनत करिए उतना जितना हम करते हैं। कोशिश क्या करिए हमसे ज़्यादा करने का। प्रियंका यादव जी, सर केवल अपना क्या बोले भाई। प्रियंका यादव जी, थोड़ा सा सोच समझ कर बोल लिया करिए, है ना। ये सब बातें आपको शोभा नहीं देता है प्रशिक्षु, है ना। या क्योंकि एक अगर लड़की हैं आप तो ये सब बातें नहीं शोभा देता है आपको। और रहेगी बात यादव जी, तो क्योंकि ये फेक आईडी भी हो सकता है, खैर क्या करें, ऐसे लोग 2 रुपये देकर 4 रुपये देकर चंदा वाले भी आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। अंजना सिंह, थैंक यू बेटा, लेकिन क्या क्या बोल दिए हो भाई आप, ये सब बातें नहीं बोला जाता है। आगे सचिव जी हैं ना हमारे। आकृति श्रीवास्तव जी का कहना है, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। आकृति श्रीवास्तव जी, साइंस का भी क्लास लगाइए फोर्थ सेमेस्टर के। फोर्थ सेमेस्टर के हम सारे क्लासेस जो मैथ के हैं और साइंस के, उसको तो हम जरूर लगाएंगे। मैथ और साइंस हम मंडे से शुरू कर देंगे फोर्थ सेमेस्टर के। एक 3 बजे आया करेगा, एक 5 बजे आया करेगा फोर्थ सेमेस्टर का। और एक जो है थर्ड सेमेस्टर का क्लास आया करेगा, एक थर्ड सेमेस्टर का क्लास आया करेगा 12 बजे। एक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का आया करेगा 9 बजने करीब हम लगा देंगे मैथ का, ठीक है। छोटे छोटे क्लास होंगे, आप करते चलिए बस। आकृति श्रीवास्तव जी, प्रीति सैनी जी का कहना है, जब प्रमोट होगा तब बैक वालों का प्रमोट की मांग करें प्लीज़। देखिए भाई, बैक वाले प्रमोट का मांग मतलब कि अगर प्रमोट होना चाहिए तो थर्ड तो किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वह थर्ड, चाहे वो बैक लगा हो उनका, चाहे वह एक तरह से फ्रेश बच्चे हो जो सेकंड सेमेस्टर पास करके आए, दोनों को थर्ड नहीं दिया जाना चाहिए। या फिर जो बैक है तो उनका बैक लें और फोर्थ सेमेस्टर का लें, क्योंकि डिले हो चुका है। लेकिन यह बातें माने तो ना, वह अड़ियल है, अड़ियल घोड़े की तरह अड़े हुए हैं। राजन कुमार जी, थैंक यू बेटा, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। जैसे राजन भाई हैं, बहुत अच्छे हैं और सारे क्लासेस फॉलो करते हैं, पढ़ने में भी अच्छे होंगे। वंदना निषाद जी का कहना है, साइंस की प्लेलिस्ट बताना भाई। देखिए भाई, साइंस की प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में तो पहले आओ। प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चिट्ठा नहीं है मित्रों, आप खुद आओगे दोस्तों तो देखेंगे ऊपर डीएलएड है, फिर यूपीटेट का है, इस तरह ढूंढ सकते हैं आप। डीएलएड लिखा है उस पर, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एसएसटी, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ, सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट रोज सुबह 7 बजे आता है, फिर यूपीटेट के ईवीएस, यूपीटेट के मैथ, यूपीटेट के हिंदी, यूपीटेट के सीडीपी, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ भी कंप्लीट करा दिए हैं हम, आप देखो तो सही, लेकिन फिर से हम कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। प्रीति जी, वंदना जी, खोज लीजिए बेटा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। टेक्नोलॉजी, थैंक यू बेटा। ये कौन है, हाँ साइंस क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोग घबराइए मत। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे क्लास स्टार्ट कर दीजिए। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ और साइंस और एसएसटी हम मात्र 10 दिन में पूरा प्रॉमिस करते हैं खत्म करेंगे, विधिवत खत्म करेंगे, चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, ठीक है ना। घबराइए मत, वो मेरे ऊपर छोड़िए, बस आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए। चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव भाई, PPR से पहले आ जाएगा स्क्रूटनी का रिजल्ट। हाँ भाई, पेपर से पहले आ जाएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यह 100% है, पेपर के पहले आ जाएगा। सर PNP सचिव को रिजाइन, भाई देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, रिजाइन दें या ना दें उनके समझ के ऊपर, जो जैसा आता है वैसा बोल देते हैं, लगता है उनको बहुत बड़ा ओहदा है तो कुछ भी बोल देंगे। मीनू जी, सर DLED कब तक हो पाएगा, हम तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। भैया परेशान ना हो, बहुत बड़ी उम्र है हमारी और तब तक लड़ेंगे जब तक मुट्ठी में वह चीज़ नहीं आता है जो हमें असल में चाहिए। तो लड़ते रहिए, वो मौका हमें तलाशना है जो मौका सच में हमारे लिए बना है, और वह घड़ी जरूर आएगी जिस घड़ी सबको अपनी खुशी मिल जाती है। मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि जो घड़ी का पहिया है ना वो घूमता रहता है, कब किसके ऊपर जाकर टिक जाए और कब किसका घड़ी का चगिया पक्का मतलब पहिया चला दे, वह समय के ऊपर, समय बहुत बलवान होता है। शिक्षा राय, समीक्षा राय, थैंक यू, मैं बताया तो। लकी गेमिंग, थैंक यू बेटा। ग्रुप डी, हाँ गजेंद्र धीरेंद्र गंगवार का कहना, ग्रुप डी का पेपर कब से है, तो अप्रैल लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का पेपर। वेरी हेल्पफुल क्लास, थैंक यू अंजलि बहन। दाक्षी, क्या नाम है, माइक क्यूट, ठीक है भाई। इतने थे आपके कमेंट, और देखिए जो चीज़ें होती है रियल में आपका कमेंट लेना चाहिए, वही बातें हम बोलते हैं और बहुत अभ्यर्थी हैं जो किसी आज दंगल बना दिए थे प्लेट हमारे पूरे के पूरे मैसेंजर बॉक्स को। हमने कहा ठीक है भाई, कर ही लिया, 1 घंटे वो दंगल करते रहे, है ना, हमको लगा आज फोड़ देंगे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ये लोग, लेकिन ठीक है बच गया और आपके सामने हम खड़े हैं। तो चलिए सारे क्लासेस आप फॉलो करिए दिन भर, कल संडे है, कल भी क्लास आएगा, क्लास बंद नहीं होगा कभी भी, आप लोग फॉलो करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए प्लीज़। बच्चों, हमारे भाइयों, हमारे बहनों, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी संख्या बढ़ाइए, जो भी मिले उससे एक सब्सक्रिप्शन तो आप बना ही सकते हो। जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे सच में वह चीज़, वह बच्चे यहाँ पर आ सकेंगे जिनको सच में जरूरत है, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।